नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है भरवा मशरूम। तो देखते हैं इसके लिए लगने वाली सामग्री। भरवा मशरूम बनाने के लिए मैंने लगभग 200 ग्राम मशरूम लिए हुए और जिसे साफ़ कर लिया अच्छे से। इसमें मिट्टी लगी होती है थोड़ी, तो साफ़ कर लिया और कुछ के स्टेम निकाल लिए हैं और मैं इसे निकालना बताऊँगी आपको। और मैंने दो बड़े प्याज बारीक टुकड़ों में काट लिया है। लगभग 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं जिसे बारीक काट लिया है। आधा इंच का टुकड़ा अदरक है जिसे बारीक काट लिया है। और तड़का लगा रही हूँ मैं बटर से, आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं। और एक पनीर का बड़ा स्लाइस लिया हुआ है और जो इसके स्टेम निकले हुए हैं उसे मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और पुदीना लिया हुआ है। तड़के के लिए जीरा है, हल्दी पाउडर डालूँगी स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर डालूँगी लगभग 3 से 4 चम्मच में, धनिया पाउडर डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। तो शुरू करते हैं भरवा मशरूम बनाना। भरवा मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि मैंने ये भरवा मशरूम की स्टफिंग भरने के लिए इसके स्टेम किस तरह से निकाले हैं। कुछ में निकले हुए थे, कुछ निकाले हैं मैंने। ये देखिए इसका निकला हुआ था और मैं ये बताती हूँ किस तरह से मैंने निकाले हैं। हल्का सा किनारा कट कर लेंगे, ऐसे भी आसानी से खींचो तो निकल आता है। ये देखिए निकल आया। ये थोड़ा सा साफ़ कर देंगे इसे ताकि स्टफिंग थोड़ी सी भर सके अंदर अच्छे से, और इसे निकाल लेंगे। हल्का सा खाली करेंगे, ज़्यादा नहीं। ऊपर का जो थोड़ा सा ब्लैक हिस्सा होता है वो ही निकालूंगी बस। ये देखिए हो गया तैयार। ये इस तरह से एक और बता देती हूँ। ये देखिए आसानी से निकल आता है ये। और ये इस स्टेम को मैंने बारीक कट कर लिया, ये रखा हुआ कट करके। ये देखिए हल्का सा इसे खाली कर दूंगी। और इनको खाली करके हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इसको बॉइल्ड पानी में डालूंगी ताकि ये हाफ़ कुक हो जाए। और पानी में थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि मशरूम में नमक का टेस्ट आ जाए अच्छे से। ये देखिए खाली हो गया ये। इस तरह से मैंने ये खाली कर लिए मशरूम। और मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, पानी उबल चुका है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी लगभग 2 से 3 चम्मच। और मशरूम को मैं इसमें डाल दूंगी। दो से तीन मिनट ही रखना है हमें इसे, ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस हम इसे उबलने देते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुका है, मैंने मशरूम को बॉईल कर लिया 2 मिनट। अब गैस ऑफ कर दूंगी और मशरूम को निकाल लूंगी। ये देखिए मैंने प्लेट में कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है और इसे उल्टा करके रख दूंगी ताकि पानी अच्छे से निकल जाए इसका। देखिए मशरूम को मैंने उल्टा करके कॉटन के कपड़े पर रख दिया है। और मैंने इसलिए ऐसा किया है ताकि हल्का सा कुक भी हो जाए और उसमें नमक का भी टेस्ट आ जाए, क्योंकि हमें कम से कम तेल में इसे शैलो फ्राई करना है। तो इसलिए हाफ कुक ये हो चुके हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे, चाहे तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। जब तक मशरूम ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। और ये जो मशरूम से निकली हुई स्टेम थी उसकी, उसे भी बारीक काट लिया मैंने। इसका कलर जल्दी ही चेंज हो जाता है, लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका टेस्ट वैसे ही रहता है। अब मैंने कढ़ाई भी रख दी है गैस पर, गैस ऑन कर दिया। हम इसमें बटर डालूंगी। जीरा डाल दूंगी इसमें और इसे भून लेंगे थोड़ा। जीरा भून चुका है, मैं इसमें अदरक डाल दूंगी, लहसुन डाल दूंगी और प्याज डाल दूंगी। मशरूम जो काटे हुए थे उसकी स्टेम वो भी डाल दूंगी। अब इसे अच्छे से भूनेंगे हम ब्राउनिश कलर आते तक।
देखिए प्याज अच्छे से भून चुका है और मैंने लगातार इसे चलाते हुए फुल आंच पे भून लिया है, तो जल्दी से ये भून गया है। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ, धनिया पाउडर डाल देती हूँ, लगभग 3 छोटा चम्मच डाल दिया है मैंने। मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच, नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा भून भी लेंगे इसे मसाले के साथ में प्याज को। पनीर कद्दूकस कर दिया है मैंने, अब मैं इसमें हरा धनिया भी डाल देती हूँ और गैस भी ऑफ़ कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि पनीर को इतना पकाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मसाले के साथ मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा ठंडा हो जाएगी ये स्टफिंग, तब मैं इसमें पुदीना डालूँगी। स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब मैं इसमें पुदीने के पत्ते तोड़ के डालूँगी, हाथों से ही तोड़ूँगी इसे, इस तरह से तोड़ के डालती जाऊँगी। और पत्तियाँ डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं स्टफिंग मशरूम में भरती जाऊँगी, देखिए इस तरह से भर देंगे, उंगली से दबा देंगे थोड़ा इसको ताकि अंदर तक अच्छे से भर जाए। ये देखिए इस तरह भर दिए मैंने। एक और मशरूम में भर देती हूँ, इस तरह सभी मशरूम में स्टफिंग भर देती हूँ। देखिए सभी मशरूम में मैंने स्टफिंग भर दी है और इसे शैलो फ्राई करूँगी। उसके लिए मैंने तवा गैस पर रख दिया है, अब मैं इसमें बटर डालूँगी, फैला दूँगी उसको सब तरफ। अब इसमें मशरूम रख दूँगी, हाफ कुक तो ये है ही, इसे हल्का सा ही हमें शैलो फ्राई करना है। अब इसे धीमी आंच पे भूनने देंगे। मशरूम एक साइड से सीख चुके हैं, अब मैं इसे थोड़ा सा पलट के सेक लेती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। इसी तरह सभी मशरूम पलट देती हूँ। देखिए सभी मशरूम मैंने पलट दिए हैं, दूसरी तरफ से अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा शैलो फ्राई। 2 मिनट हो चुका है, उस तरफ से सिक चुके हैं, इसे पलट देती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, देखिए खाने के लिए तैयार हो चुके हैं मशरूम। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल देती हूँ। गर्मा गर्म भरवा मशरूम तैयार है खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी भरवा मशरूम तैयार हुए हैं। भरवा मशरूम को आप एज ए स्टार्टर ले सकते हैं, ये एक तरह की साइड डिश है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि भरवा मशरूम आपको कैसे लगे, और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। जल गए बोलेंगे।